दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप को ही जीते तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रिजर्व डे पर कितने बजे शुरू होगा मुकाबला, कितने ओवर का खेला जाएगा, साथ ही साथ क्या बारिश रिजर्व डे पर भी परेशान करेगी, अंपायर ने पूरी तरीके से हर एक बात का खुलासा कर दिया है और आखिरकार उन्होंने जाते जाते अपने बयान में क्या कहा, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रिजर्व डे पर जब भारत पाक की टीम आमने सामने होंगी तो उसे कौन जीतेगा, नीचे कमेंट करके हमें बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और पाकिस्तान की टीम के मुकाबलों को न जाने किसकी नजर लग गई है, जब भी आमने सामने आ रहे हैं तभी बारिश खलल डाल दे रही है। ऐसा एक भी मुकाबला अभी तक एशिया कप का तो नहीं रहा जहां पर बारिश ने दखलंदाजी की हो, वो भी इतनी ज्यादा के मुकाबलों को या तो रद्द करना पड़ा हो या फिर उनके लिए रिजर्व डे घोषित किया गया हो। एशिया कप के इतिहास में अपने आप में यह पहली बार हुआ है कि किसी मुकाबले के लिए रिजर्व डे घोषित पहले ही कर दिया गया था, क्योंकि सब जानते ही थे कि मैदान में बारिश आएगी, लेकिन किसी को यह नहीं आभास था कि बारिश इतनी ज्यादा तेज आएगी। कहने को तो भारतीय क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी का आरंभ बहुत ज्यादा सुनहरा था, वो चाहे रोहित शर्मा हो या शुभमन गिल हो, दोनों ने चौके व छक्कों की मशीन में 200 पीस कर रख दिया। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हैरिस रॉफ को एक साथ, तभी तो 6 चौके 4 छक्के चढ़कर जहां रोहित शर्मा बड़ी तेज तर्रार 56 रन की पारी खेल गए तो वही दोस्तों शुभमन गिल भी 58 रन बना गए थे। आपको बता दें कि इन दोनों खिलाड़ियों की पारी भारतीय क्रिकेट टीम को उठाकर 147 तक ले गई। इसके बाद दोस्तों विराट कोहली और केएल राहुल ने भी पारी को संभाला, लेकिन फिर कमबख्त 25वें ओवर में ऐसी बारिश आई जिसने जाने का नाम नहीं लिया और फिर मैदान से बाहर केवल खिलाड़ी और अंपायर को ही जाना पड़ा, क्योंकि मैदान में तो केवल कवर्स थे और इतनी ज्यादा तेज तर्रार बारिश हुई कि मुकाबले को शुरू करना तो दूर की बात, मैदान में इंस्पेक्शन करने के लिए अंपायर भी डर रहे थे कि कहीं भीग कर नीचे न गिर पड़े। फिलहाल तो दोस्तों सबकी निगाहें रिजर्व डे पर जा चुकी हैं, लेकिन रिजर्व डे पर मुकाबला कब से शुरू होगा, कितने ओवर्स का रहेगा और आखिरकार कौन सी टीम जीत पाएगी, क्योंकि बारिश के चलते कल भी रुकावट होगी। अब इस पर दोस्तों मैदानी अंपायर ने अपना बयान दिया है। आपको बता दें मैदानी अंपायर ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि आखिरकार किस तरीके से मैच होगा। आपको बताया दोस्तों के मैदानी अंपायर ने कहा, ये वाकई में चकित कर देने वाला है कि केवल भारत पाक के मुकाबलों में ही इस तरीके से बारिश दखलंदाजी कर रही है, वो भी इतने हद तक के मुकाबलों के लिए रिजर्व डे करा जाए। एशिया कप के इतिहास में ये तो हमने पहली बार देखा है। आज जिस तरीके से मुकाबला शुरू हुआ था तो सबको यही लग रहा था कि पूरा मैच तो हो ही जाएगा भले ही बारिश बीच में आए, और एक बार को तो ये फैसला लिया भी जा चुका था कि मुकाबला 20 ओवर का हो जाएगा। लेकिन अफसोस बारिश और मुकाबले में मैच की कंडीशंस को भी देखा जाता है और यहाँ की पिच इतनी ज्यादा स्थिर हो ही नहीं सकती थी इतनी भारी बारिश के बाद, इसीलिए आगे तक वेट ना करके मुकाबले को रिजर्व डे की तरफ प्रोसीड कराया गया। हमें पता चला कि कल भी बारिश होगी, लेकिन यह मुकाबला वहीं से शुरू होगा जहां से खत्म हुआ है। इंडियन टीम पूरी बल्लेबाजी करेगी और उम्मीद है डीएलएस मेथड ना लगे और पाकिस्तान की टीम बल्लेबाजी कर पाए। डीएलएस मेथड इसलिए क्योंकि अगर बारिश हुई तो फिर से डीएलएस मेथड अप्लाई किया जाएगा और फिर लक्ष्य भी एक किस्म से सेट किया जाएगा और ओवर्स को कैलकुलेट करके इसे छोटा बनाया जाएगा। उम्मीद है हमें पूरे 50-50 ओवर का मैच देखने को मिले। दोस्तों मैदानी अंपायर ने एक बात क्लियर कर दी है कि बारिश तो होगी, बस इतनी ज्यादा ना हो कि डीएलएस मेथड लग जाए, इससे मुकाबले का मजा तो खराब होगा ही, साथ ही पैसा ना हो कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी पड़ जाए। फिर भी दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, मुकाबला हुआ तो रिजर्व डे पर तो उसे कौन जीतेगा, भारत या पाकिस्तान, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को।